नमस्कार साथियों, क्या आपकी जानकारी में है कि हमारे देश में इस किस्म के प्लास्टिक के ग्लास और ऐसे प्लास्टिक स्ट्रॉस को बैन यानी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको उन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स या एक बार इस्तेमाल होकर के प्लास्टिक के आइटम जिन्हें हम फेंक देते हैं और जिन्हें देश में 1 जुलाई 2022 से बैन किया गया है, उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि हमारे राज्य उत्तराखंड में पिछले वर्ष यानी फरवरी 2021 में कुछ और सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को बैन किया गया था। प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक के टिफिन, प्लास्टिक की कटोरी, ये सभी बैन आइटम्स की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जैसे आप मेरे हाथ में ये प्लास्टिक के कांटे को, प्लास्टिक की चम्मच, प्लास्टिक के चाकू को देख सकते हैं, ये भी बैंड आइटम लिस्ट में है। कान साफ करने वाले एयरबड जिसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, कैंडी जिस पर प्लास्टिक है, इस किस्म के गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, प्लास्टिक के फ्लैग और आइसक्रीम जिसके ऊपर प्लास्टिक की डंडी लगी रहती है, वो भी बैंड है। इसके अलावा थर्मोकोल जिसे कई बार सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिठाई के डब्बे जिनके ऊपर प्लास्टिक की फिल्म लगती हैं, या सिगरेट के पैकेट या जो शादियों के कार्ड होते हैं जिसके ऊपर ऐसी प्लास्टिक की फिल्म्स लगी रहती हैं, वो भी बैन आइटम की सूची में है। इसके अलावा कई सामाजिक कार्यक्रमों में और अन्य कार्यक्रमों में जो हम लोग फ्लेक्स लगाते हैं 100 माइक्रोन से कम के, उनको भी बैन किया गया है। आखिरी उदाहरण मैं आपको इस किस्म की पन्नियों को देना चाहूंगा जिन्हें हम दूध या दही के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी बैन आइटम की लिस्ट में आती है और इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। इस किस्म की पन्नियां चाहे इनकी कोई भी माइक्रोन या मोटाई हो, ये हमारे राज्य उत्तराखंड में बैन है। एक और उदाहरण इस किस्म के बैग का है जिसके बारे में कई बार ये धारणा रहती है कि ये कपड़े का बना हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये भी एक किस्म का प्लास्टिक है जिसे नॉन वोवन पॉलीप्रोपिलीन कहा जाता है और उसकी कोई भी मोटाई हो उसके बावजूद भी इस पर उत्तराखंड राज्य में बैन है। दोस्तों, अब आपके जहन में एक जिज्ञासा होगी कि जब सभी चीजों के ऊपर बैन लग गया है तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आगे कैसे चलेगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन सभी आइटम्स के विकल्प धीरे धीरे करके बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं। इसके अलावा जब हम लोगों की भी इस पूरे अभियान में जन सहभागिता रहेगी तो निश्चित तौर पर हमारे पूरे समाज में, हमारे राज्य, हमारे राष्ट्र और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इस सिंगल यूज प्लास्टिक के युद्ध में हम लोगों को सफलता भी मिलेगी। मैं यही कामना और उम्मीद करूंगा कि आपको यह जानकारी लाभदायक रहेगी और इस जानकारी को आप